रुक कर लेते हैं अगली बड़ी खबर का। यूपी से बड़ी खबर आ रही है, मिल्कीपुरा बशीरहाट पर चुनावी याचिका दायर है, इसलिए वहां पर तारीखों की घोषणा नहीं की गई है, ये चुनाव आयोग की तरफ से कहा गया है। इस खबर पे और ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुक करते हैं मेरे सहयोगी मानस श्रीवास्तव का। मानस, अब कहा गया कि चुनावी याचिका दायर है इसलिए हमने मिल्कीपुर को लेकर घोषणा नहीं की है, और जानकारी आपके पास? विधानसभा सीटों पर घोषणा हो गई है चुनाव की, उपचुनाव की, और मिल्कीपुर की सीट रह गई, और उसको लेकर के निश्चित तौर पर जो सियासी लोग हैं जरूर इसका अपने अपनी तरीके से विश्लेषण करेंगे। मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी इस पर बहुत मुखर होगी, मुझे लगता है कि जल्द ही प्रतिक्रिया आने वाली होगी। अखिलेश यादव जरूर कुछ ना कुछ बोलेंगे, क्योंकि मिल्कीपुर की सीट ऐसी सीट थी जिसको लेकर के पूरे देश की निगाहें टिकी हुई थी, और ये कहा जा रहा था कि देश के बाकी हिस्सों में चुनाव एक तरफ और उत्तर प्रदेश की जो 10 विधानसभा सीटें इनके उपचुनाव एक तरफ होंगे, क्योंकि जो देश की जनता है उसकी निगाहें उत्तर प्रदेश की 10 सीटों पर टिकी हुई है, क्योंकि ये 10 सीटें वो सीटें थी जहां से जिसमें से ज्यादातर में समाजवादी पार्टी के विधायक जीत करके सांसद बन गए, और समाजवादी पार्टी के हिस्से से ज्यादातर सीटें खाली हुई हैं। अगर इरफान सोलंकी की सीट भी शीशा महू है वो भी उसी का हिस्सा है समाजवादी पार्टी का, और मिल्कीपुर से तो अवधेश प्रसाद जिनका इस वक्त मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश की सियासत में सबसे ज्यादा कोई चर्चित अगर नाम है तो वो अवधेश प्रसाद का, जिसको लेकर के अखिलेश यादव से लेकर राहुल गांधी तक तमाम लोगों को बधाई दे चुके हैं। तो ऐसे में बीजेपी का पूरा फोकस था कि वो मिल्कीपुर की सीट पर इस बार ऐसी घेराबंदी करेगी जिससे इस सीट को जीत करके कम से कम वो ये मैसेज दे सके पूरे उत्तर प्रदेश में कि अयोध्या की हार का बदला लिया गया, और अयोध्या की जनता ने एक बार अगर गलती कर भी दी तो अब दोबारा उसमें सुधार हो गया। और उसी वजह से खुद मुख्यमंत्री ने करीब 5 दौरे यहाँ पर किए, 2-3 अलग अलग कार्यक्रम में बहुत बड़े स्तर पर रोजगार मेला लगाया गया, हजारों करोड़ रुपए की विकास परियोजनाएं, बहुत सारा लोन दिया गया युवाओं को उनको अपने उद्योग स्थापित करने के लिए। ऐसे में ये माना जा रहा था कि उत्तर प्रदेश में भी 9 विधानसभा सीटें एक तरफ और मिल्कीपुर की विधानसभा सीट पर एक बड़ा सियासी जमावड़ा देखने को मिलेगा, जिसमें राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, और कहा जाता तमाम केंद्रीय नेताओं की फौज उतरेगी, पहले से ही प्रभारी भी नियुक्त थे। तो वो जो एक कह रहे थे कि जो चुनाव की रोचकता थी, वो रोचकता जो है वो यहाँ पर खत्म होती नजर आ रही है। ठीक है, ठीक है, ये तो अपने आप में चर्चा रहेगी कि मिल्कीपुर को लेकर तारीखों की घोषणा क्यों नहीं की गई। जो वजह बताई गई है वो तो चुनाव याचिका एक वजह बताई गई है कि चुनाव याचिका दायर है इसलिए हमने मिल्कीपुर में तारीखों की घोषणा नहीं की है।